पाठ चार। आज्ञाकारी पुत्र। एक शहर में एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका एक पुत्र था। ब्राह्मण होने के कारण वह धार्मिक कर्मकांड और हवन आदि करके अपनी आजीविका चलाता था। एक दिन शहर से सेठ रामदास ने उसे अपने घर में पूजा करवाने के लिए बुलवाया। प्रातःकाल उसने एक गठरी में कुछ जरूरी कपड़े व खाने का सामान रख लिया। फिर जैसे ही वह सेठ रामदास के घर जाने को तैयार हुआ, तभी उसकी माँ वहाँ पर आई और बोली, बेटा तुम इतनी लंबी यात्रा पर अकेले जा रहे हो, किसी न किसी को अपने साथ अवश्य लेते जाओ, इससे तुम्हारा साथ भी हो जाएगा और रास्ते में तुम्हारी सुरक्षा भी हो जाएगी। बेटा बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा और काम समाप्त करके कल शाम तक लौट आऊंगा। लेकिन माँ नहीं मानी। वह घर के पिछवाड़े गई और अपने हाथ में एक केकड़ा पकड़ लाई। फिर उस केकड़े को अपने पुत्र को देते हुए बोली, पुत्र कम से कम साथ के लिए ही सही, तुम इस केकड़े को ही अपने साथ लेते जाओ, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। उस आज्ञाकारी बेटे ने माँ की बात मान ली और उस केकड़े को गठरी में रख लिया। फिर उसने गठरी में कपूर के टुकड़े भी रख लिए और माँ का आशीर्वाद लेकर शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। तब गर्मी से बचने के लिए वह एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगा। लेटे लेटे उसे नींद आ गई। तभी पेड़ की जड़ के पास एक बिल में से एक सांप निकलकर वहाँ आ गया और कपूर की खुशबू सुनकर गठरी की ओर बढ़ने लगा। वह गठरी में घुस गया और कपूर खाने लगा। सांप की हरकतों से गठरी के अंदर बैठे केकड़े को परेशानी होने लगी। उसने अपने तेज नुकीले पंजों से सांप को पकड़कर उसका खून पी लिया। इस तरह वह सांप मर गया। जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसे मरे हुए सांप और केकड़े को अपने पास बैठा देखकर आश्चर्य हुआ। सारी बात समझ में आते ही उसने सोचा, ओह इस केकड़े की वजह से आज मेरी जान बच गई। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मुझे माँ की बात मानने की बुद्धि दी।